उसका एक अलग टच है ना। अवंती का जो है वो सीधा ऐसे जाओ बैठो तो वो जो गेट है वो खोलो ऐसे ऊपर की साइड खुलेगा, तो उसका एक अलग ही टच रहेगा। यहाँ थोड़ी सफाई करवानी पड़ेगी मम्मी जी, गंदगी सी हो रखी है, वो आएगी जब। हो गया भाई, ऑल सेट। मॉम गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। गुड मॉर्निंग, आई होप आप सब लोग अपने घर पर ठीक ठाक हो गए, मजे कर रहे हो गए। मैं क्या कह रहा हूँ, कल वाले कमेंट में, कल वाले मैसेज में नहीं, अरे कल वाले व्लॉग में आपने कमेंट्स तो पढ़ लिए होंगे सारे, जो मैंने पूछा था कि मम्मी जी किसकी साइड ज्यादा लेती हैं, जतिन की या मनी के लिए बोल रहे हैं बच्चे, कैसी तो ये सच्चाई है मम्मी जी, कैसी बात बोली है बच्चों, दोनों को बराबर मम्मी तो प्यार। नो नो नो, ये सब देखते हैं, सब हर बात पे देखते हैं कि भाई कौन, देखो ये क्यों झूठ बोलेंगे, है ना, सही बात है ना। तो पॉइंट सीधा सीधा यही है, कई बार ऐसा होता है कि भाई हम जो चीज करते हैं हमें खुद भी नहीं पता होता कि हम ये करते हैं, पर मम्मी, जैसे मम्मी को नहीं पता मम्मी जतिन से ज्यादा लेती है, ये नहीं पता था मम्मी को, अब पता चल गया। छोटा नहीं है, ऐसे कहो छोटा है, मैं कोई मना नहीं कर रहा, लो कोई दिक्कत नहीं है, पर मान लो इस बात को कि भाई हाँ मम्मी का दोनों तरफ मरण होती है, वो कहता है मम्मी आप वो जाते ही बीमार हो जाते हो, उसको ज्यादा प्यार करते हो, तो वो एक अलग बात हुई, प्यार मेरे को ज्यादा करते हो गए मानो, लेकिन साइड उसके ज्यादा लेते हो, तो दोनों चीजें हैं। तेरे को तो डबल साइड थोड़ी ना दूंगी मैं, डबल साइड कैसे भाई, क्यों तेरे साइड तेरी रुचि रही यार भाई, तो आपके साइड हुई, अब वो भी उसी की साइड ज्यादा ले हुआ जतिन की, अब वो सब उसी की साइड ले रहे हैं, मेरी कोई साइड ही नहीं, वो किसी की साइड मिली, अभी वो किसी की साइड ना ले रही, अभी वो न्यूट्रल ले रहे हो। तो भाई मम्मी क्लियर हो गया है ये चीज की, मम्मी की साइड, मम्मी उसकी साइड ज्यादा लेते हैं, ठीक है ओके बड़ो। मैंने कहा था, मैंने कहा ठीक है, पर वो मम्मी को बोल गया कि आंटी चाह, क्योंकि वो मेरे तो ये सोच रहा है, पता ना उन्होंने पहली बार देखा क्या, किराएदार ही है भाई, अभी तक हमारा तो सारा सामान दुकानों पड़ा, पहले उठने ठाकर बेड में गिर दे, या मैम ओके नो प्रॉब्लम। अब हम थोड़ा सा घर में वो रहने लगे हैं लंबे टाइम से, तो अब पर अभी भी कुछ वो नहीं है, अभी तो हमें जाना कहीं फिलहाल, तो अभी हमें बहुत सारे काम करने हैं, तो मैं बहुत सारी चीज़ें बतानी है, धीरे धीरे करके सारी चीज़ें बताऊंगा। अभी तो गाड़ी बुक करने जाना है, गाड़ी वरना ही फाइनल हो गई अपनी, मतलब एक बार ह्यूंडई में चल के एक गाड़ी और बता रहे थे, कोई वो और देखेंगे, वरना वरना फाइनल है, उसको वो करके आएंगे बुक। इसने अभी कौन सा, अरे ये क्या चीज़ है, क्या चीज़ चला रखी है, हाँ मम्मी एक सेकेंड मम्मी से कुछ पूछ लेता हूँ, किससे, हेलो, थोड़ी साफ सफाई चल रही है गाइस, भाई यार लग रहा है ड्राई क्लीन करने के लिए, अभी बेड भी करवाऊंगा क्योंकि शिफ्टिंग करी थी, तो थोड़ा सा वो होता ना कि गंदगी वंदगी सी डस्ट वस्ट लगा वगैरह लग जाती है, तो थोड़ा सा गंदे हो रखे थे सोफे भी बेड भी, वो थोड़ा सारा क्लीन करवा लेंगे आज। उसके बाद अभी जतिन गया हुआ है, जतिन पटियाला संदीप ये लोग कहीं गए हुए हैं, तो ये एक बार आ जाए, उसके बाद फिर चलते हैं गाड़ी का अपना वो करने के लिए। अंदर का भी हो गया, हो रहा है मतलब काम झाम जो है वो सेट हो रहा है, मैं नहा लिया हूँ, नहा के मैं रेडी हो चुका हूँ, मेरे को अभी जतिन और अभी तक भी नहीं आया है, लेकिन तुम्हें अपनी गाड़ी दिखाता हूँ। अरे भाई साहब नए वो रख दिए मम्मी ने तो यार, अलग अलग तरह के हो रहे कलरफुल, भाई वाह मम्मी जी ये नए नए, ये कहाँ से लाए आप मोम, ये नए नए गमले कहाँ से लाए आप, वेरी नाइस मोम वेरी नाइस, बहुत बढ़िया लग रहा है भाई, सुंदर लग रहा है देखने में, वरना हमारे पास ये वाले थे, ये खतरनाक डेंजर शक्ल से, खैर नए हैं इसलिए लग रहे होंगे, पुराने वाले के पास शायद ऐसे हो जाएंगे। अब देखो तुम ऊपर से अपनी स्विफ्ट देख रहे हो, क्या डेंजर छत लग रही है ब्लैक होने के बाद, थार खड़ी है स्विफ्ट खड़ी है, जतिन शायद स्कॉर्पियो लेके गया हुआ है, पर उससे अब एक चेंज करूँगा, वो क्या कि जब तक नई गाड़ी नहीं आती तब तक मैं स्कॉर्पियो लूँगा, थार उसे दूंगा, क्योंकि स्कॉर्पियो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी कि स्कॉर्पियो थार से ज़्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि सीट्स भी बड़ी बड़ी हैं, थार में पीछे बैठने में तो बिल्कुल ही मौत आ जाती है एकदम से, है ना, तो थार टशन वशन के लिए ठीक है, कभी पहाड़ वहाड़ पर जाना हो कहीं वहाँ जाना हो, वैसे घर परिवार के हिसाब से बिल्कुल ख़त्म। गाइस सुबह से वेट करते करते बूढ़ा हो गया हूँ मैं तो, ये समझ लो अब आए हैं ये भाई, हैं मैं जब से वेट कर रहा हूँ, मैंने कहा दोपहर में 12 बजे आने लगे थे कि 12 बजे एक चल लेंगे गाड़ी बुक करने, एक बजे चल लेंगे, दो बजे चल लेंगे, तीन बजे, चार बजे, अब आए 5:30 बजे, मैंने कहा भाई वाह, मैं इंसान खा लिया पी लिया नहा लिया सो लिया सब कर लिया मैंने भाई, क्या कर दिया, टाइम लग गया यार वहाँ, सरकारी काम था ना सरकारी काम वैसे टाइम लग ही जाता, देखो जो बात है तो लग ही जा टाइम यार, ये बात तो इनकी माननी पड़ेगी, खैर पर फिर भी एक वो होती लिमिट, भाई मैं सो गया था, मैंने सोचा आज जा ही ना रहे गाड़ी बुक करने, तो मैंने कहा चल कल चल लेंगे भाई, अब क्या कर सकते हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि वो करना है, ओ मैंने सुना 21 तारीख को रिलीज हो रही है भाई, वो 21 तारीख को लॉन्च हो रही है, मतलब हां ऐसा है क्या, एक बार गूगल करियो पटियाला, एक बार गूगल करियो, क्योंकि मेरे को ये था कि 27 या 28 को लॉन्च होगी न्यू वरना जो आ रही है, पर मेरे को अपने खास सूत्रों से पता चला है कि 21 मार्च को रिलीज हो वो
यार रिलीज की आदत पड़ गई, मूवी वूवी मतलब वो वीडियो बना बना के ना रिलीज का वर्ड यूज करने की आदत पड़ गई। 21 को लॉन्च हो रही है, मैंने ऐसा सुना है, अगर 21 को लॉन्च हो रही है तो मैं चाहता हूँ कि हमारे हाथ में गाड़ी 22 को ही मिल जाए, या 21 को मिल जाए तो और बढ़िया है। तो अगर ऐसा पॉसिबल हो तो भाई देखते हैं, अगर हो रही हुई तो, अगर लेट ही होगी तो फिर 1 अप्रैल से पहले चाहिए, 1 अप्रैल से पहले। वीक में हो रही है यो, एक वीक में ना। हाँ तो 14 है आज, 21 को है, एक हफ्ता हो जाएगा पूरा, हो जाएगी। अगर किसी को पता हो भाई बंधु को तो बताना, कि वैसे तो एक है अपना भाई, उससे पूछ रहे तो एक बार पूछ रहे, उससे पंडा पंडा भी तो पता होगा इस चीज का। तो पंडा के काम, पंडा इतनी महंगी गाड़ी में बेचे ना है। ओहो पंडा हमारा बेचारा मारुति में है यार, वो अगर मारुति कोई गाड़ी होती तो वो करवा देता। 21 को दे रहे हैं भाई, 21 को हो रही है ना। हाँ देखा मेरे तेज दिमाग का यूज करके, इसको तो लॉन्च होगी भाई, 2-1 महीना तो उसमें मान के चलो डिलीवरी। ना 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 भाई, आते ही लॉन्च होते ही इसमें क्या है, मतलब वेटिंग होगी क्या? हाँ वेटिंग होगी, लेकिन खास लोगों के लिए थोड़ी वेटिंग होती है, वो तो कोई गाड़ वगाड़ लगा के तो हो जाएगा, वो तो प्रीमियम देना पड़ेगा एक गाड़ी की तरह। हाँ। लाख रुपए दो गाड़ी थोड़े बहुत ऊपर पैसे दे या फिर बातचीत हो तो हो जाती है, तो हो जानी चाहिए अपने तो। वैसे देखते हैं बाकी, अगर नहीं हो पाई तो जितना वेटिंग होगी उतना देखेंगे, अगर पर चाहिए तो जल्दी यार गाड़ी, 1 अप्रैल से पहले चाहिए। और ये वाली गाड़ी लेना थोड़ा सा वो है, जरूरी है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा जरूरी है। वो तो मैं बताऊंगा कि क्यों जरूरी है, मतलब ऐसा ना है कि भाई कुछ लोग कह रहे हैं कि कमेंट आ रहे थे कि भाई क्या करोगे इतनी गाड़ियों का, भाई ये वाला तो जरूरी है, हमें शौक है, हमारा शौक तो है ही, पर ये तो लेनी पड़ेगी ही। बताऊंगा तुम्हें एक आध दिन में बताऊंगा आराम से, खैर सारा सीन क्या है क्या नहीं है। फिलहाल तो अपनी गाड़ी लेने चल रहे भाई, जतिन और संदीप और आ रहे पीछे, उनको भी उठाएंगे यहाँ से, और फिर उसके बाद एक ही गाड़ी में जाएंगे सारे बुक करवाने के लिए। आने अड्डे पे पहुंच चुके हैं, हमारा लड़कियों का स्कूल। ओ भाई साहब क्रिकेट चल रहा है यहाँ तो भाई, हाँ, मजा आ जाएगा। बहुत दिन बाद अगर ये खिलाएंगे तो खिला लेंगे, एक आध बोलता वो बड़े बूढ़े वाली कैटेगरी में आ गए कि बेटा एक बोल खिला दोगे फिर चले जाना। बेटा ना वैसे सारे दोस्त हैं, अंकल कहाँ हैं यार, अंकल हम दोस्त होंगे सारे अपने, जो बूढ़ा बैठा देखे तुच्छी, ये तो सारे यार अलग अलग बाल लगे यार, ये तो छोटे छोटे जो अपने साथ खेले करते हुए तो ना है, इतने पिंड हो गए क्या हम भाई साहब। देखना झूले वूले लग गए हमारे यहाँ स्कूल में सारे, बेटा क्यों परेशान हो रहा है, इस गाड़ी में लिफ्ट ये छोड़ी है इतना कहीं। चल भाई पटियाला सेठ लेट्स गो, देखिए अब चुप हो जाएगा ये, आजा आजा आजा। मैंने ये पहन रखा, कभी सोचो कुछ नहीं पहन रखा। हाँ क्या चक्कर है भाई, क्या चाहिए? कितने प्यारे रहे हैं ना ये, जितने भी मतलब ऐसे ये डॉग रहे हैं वैसे भुगत रहेंगे, पास आते ही इनके दिखावा खराब वैसे रह जाएंगे, प्यार करो हमें बस। अवंती, अवंती लेंगे। हाँ। तू दांत ले 6:30 बजे। हाँ। 6:30 बजे आया तो गाड़ी बुक करने जाएगा अब, क्योंकि तेरे लक्कड़ डाक गाड़ी लेट गया। अरे बूढ़ा कर दिया मैं खड़ा खड़ा, मैं जब तक वेट कर रहा हूँ, मैंने कहा भाई आ जाइए देखना क्या महफिल जमा रखी है यहाँ गाड़ियों का, वो लगा रखा है बढ़िया लग रहा है, ऑल्टो बीच में एकदम अलग मतलब मंदे टाइम की आन बान शान है ये गाड़ी। पर एक चीज बता पटियाला, कौन भाई वहाँ पहाड़ों पे है ना, पहाड़ों पे एक अलग टोरा भाई इसका, तक गई ना पहाड़ों पे। मेरा वो लग गया यार, सर लग गया बहुत तेज, उस पे झूले बैठा था वहाँ सर लग गया बहुत तेज। एक मिनट, 3-4 आदमी उससे कुछ भी कर सकते इसीलिए तो ये ना गई पहाड़ों पे। वैसे तो बहुत सारी गाड़ी मिलेंगी तेरे को, ऑल्टो और भाई ये नैनो, यो ना गई ना, नैनो भी मिले भाई, नैनो पहाड़ों पे चल रही है यार, मैंने कहा रख दो। एक मिनट रुक, मैं एक मिनट मारूं फिर। गाइस दिन में आया था मैं, मतलब सुबह से इनका वेट कर रहा था, ठीक है, मेरे को लगा था कि चलो अच्छे लोग हैं अपने लोग हैं, इनका वेट करना बनता है, पर भाई रात करवा दी इन्होंने ना, आज गए। अभी भी मैं कह रहा, मैंने कहा चलो शाम हो रही है पर बुकिंग तो हो ही जाएगी, बुकिंग तो करके आनी है, ये है वो है, पर कह रहा कि भाई सुबह चल लेंगे एक बार, वो निकल गए मतलब किसी और काम से निकल गए। मैंने कहा चल सुबह चल लेंगे भाई, अब क्या कर सकते हैं बिना मतलब का डिले, और वैसे भी आज ट्यूसडे था, तो फिर ये कह रहा कि ट्यूसडे को शायद ऐसा कुछ करते नहीं है, ये है वो है। मैंने कहा चल ठीक है भाई कल चल देंगे, तो अब कल जाएंगे भाई सुबह। आज का तो सारा दिन एक तरह से खराब हो गया, मतलब दिन में मैं सो गया, इनका वेट करते करते सो गया, और इस बात का मेरे को दुख हो रहा सबसे ज्यादा, तो कि अगर अपनी मर्जी सोया होता तो भी कोई दिक्कत ना थी, वेट करते करते प्रॉपर बेहोश हुआ हूँ। पर चलो ठीक है अब क्या कर सकते हैं, घर चलते हैं अपने भाई। यात्रा दिन सुबह कर दी गाड़ी, अभी कल रात ना शाम कर दी, अंधेरा कर दी। शूट करने गया था तू इस बार चक्कर में, मैं तो उस चक्कर में भी ना, मैं तो बाप इन सब्जी बनाई थी, वो खाना आया था घर। अच्छा जी। हाँ। फिर खा ली वो सब्जी तुम सुबह बनवाई थी? सुबह बनवाई थी, पर फिर पहनावा वहाँ गया मैं, कुछ काम तक गया था कोर्ट में वहाँ। उसके बाद फिर मैंने वहाँ बर्गर वर्गर कुछ भी ना खाया। क्यों ना खाया? मैंने ही ना खाया, मैं सब्जी रोटी खाऊंगा, नहीं तो फिर रोटी ना खाई जाएगी। कैसी लगी सब्जी? एक दांत ले, सुबह सुबह सब्जी बनवाई 10 बजे
भाई सुबह 10 बजे 10 बजे तो वहां भी उठी बिराती। हाँ तो 11 बजे बनवाई होगी। 11 बजे तुमने सब्जी बनवाई है? सब्जी ना बने, अरे मतलब 11 बजे बनवाई, खाई तो ना शाम को 5 बजे, ये कह रहा हूँ लास्ट तो 4:30 लगा ले, मतलब 4 बजे लगा ले चल तो ठीक है, तो अभी खाई तो लेट है तो शाम नहीं बनवा लेता फिर है? सुबह उठते तो जो सब्जी भी चाहिए फिर खाई, खाने भी ना मैंने खाई तो तेल तूने बनवा ली थी, गाड़ी का क्या सीन है? गाड़ी का सीन ये है कि चलो बुक कर जाते हैं, बुक करने चल रहे हैं अभी डायरेक्ट सीधे, ये कुछ खाएगा अभी? खाएंगे इसका वो खाने का बड़ा टेढ़ा हिसाब है भाई आज, मतलब ये समझ लो। ओ, मैंने सुना 21 तारीख को होगी भाई लॉन्च, मतलब 21 तारीख को लॉन्च हो रही है, जुगाड़ नहीं छोड़ो तो मैंने तो बताई दी थी, मैं कह रहा हूँ अवंती ले ले पहनावा। अवंती क्यों ले ले? अवंती मैंने कितने की अवंती? अवंती देख नई वाली, नई तो जो आई करती वो आई करती 45-50 उसकी कुछ ठीक है, वो तो होगी बंद, पुरानी है पर पुरानी नई जैसी है भाई, पुरानी गाड़ी मेरे तेल लग रहा है, मैं शक्ल थोड़ी इग्नोर करना और अभी बिल्कुल सोक उठा हूँ एक सेकंड पहले ठीक है, पुरानी गाड़ी सबसे बेकार मैं कह रहा हूँ, मतलब सेकंड हैंड गाड़ी लेने में ना ये नुकसान है कि मतलब सर ऐसा नहीं है कि बेकार, ठीक भी होती हैं पर ज़्यादातर ऐसा होता है कि फिर उन्हें ना काम कुछ कुछ करवाते रहो, कुछ कुछ करवाते रहो, समझ रहा है? वो दिक्कत रहेगी। अरे नहीं वे ज़्यादा चली और थोड़ी मिलेंगी तो वे तो ऐसी कहती चिपक कर चला है ऐसा रोड पर कती। हाँ तो वो चिपक कर चला है वो तो फिर बात ठीक है, इधर नीचे गाड़ी, पहली बात तो अपने यहाँ के रोड ऐसे कामयाब ना है भाई जो तू सोच रहा। अरे पहनावा सुन ले मत सही, अब लेनी तो है। अच्छा हाँ, फिर है कहाँ मिलेगी, कहाँ देख सकते हैं? वो तो फोन करके बात कर लूंगा, मैं खड़ी है 2-4 जगह तो कर ले एक बार बात कर, अभी बुला ले, बुलाना ले चल जाना पड़ेगा। कहाँ? वही गुड़गांव में ना? गुड़गांव। हाँ तो गुड़गांव में चल ले, आज चल ले फिर, क्योंकि भाई फिर फाइनल कर उसका, वरना फिर अगर तू वरना ले रहा है अभी जो लेनी है तेने तो फिर तू अभी सकता है अंतिम रहने दे ठीक है, अगर तू अवंत कह रहा है लेनी है वरना ना लेनी तो अवंती ले लेंगे, वरना बुक मत कर। तो फिर वो तो बता कितने की पड़ेगी, कैसी कंडीशन है? 30 लाख रुपए की है। हाँ तो फिर इतने की तो वरना है। हाँ, हाँ तो फिर तो पर वो थोड़ी वो है पुरानी यार। हाँ मतलब सेकंड हैंड मिलेगी पर कंडीशन सही होनी चाहिए, तो एक बार दिखा दिया एक नंबर मस्त, तो एक बार देखने के बाद तो पता चलेगा दांत ने आज थोड़ी दिखा देते हैं। आज चले? अच्छा आज के, आज तो बात करूंगा ना भाई, आज तो बात करूंगा। तो फिर चलेगा कब? आज ही कर ले, आज ही चल ले फिर, देख मैं बात करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। मैं अभी ये करूंगा, अभी क्या करूंगा, अभी व्लॉग डाल दूंगा आज, क्योंकि दांत ने कल का व्लॉग इसके चक्कर में ना डाला ठीक है, मैंने सोचा था कि थोड़ी देर मतलब गाड़ी बुक करने के बाद जाएंगे उसके बाद ही व्लॉग डालूंगा, पर भाई साहब चाह रहा हूँ कि अवंती बुक हो जावे, मतलब अवंती बुक के वो लिया हुए यो, वरना कर रहा है भाई देख लेंगे ना, मैं ऐसा ना है कि वो कर रहा हूँ, अगर सही होएगी तो ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सही होएगी तो, नहीं तो फिर कंपेयर करके देखेंगे भाई उसमें। कंपेयर क्या करेगा? ना अगर पुरानी पैसे ज्यादा मान लो 25 की हुई या 30 की हुई ठीक है और पुरानी सी लग रही हुई कि भाई ये खर्चा मांगेगी आने वाले टाइम में, तो फिर कोई फायदा ना, पॉइंट ही ना है कोई, और वैसे वो 2-सीटर है ना। हाँ तो फिर अगर सही हुई तो कोई दिक्कत ना, ले लेंगे, क्योंकि भाई देखने में भी एक उसका अलग टोरा, उसका वो खिड़की वो वैसे खुला ना ऐसे है ना, तो उसका एक अलग टच है, अवंती का जो है वो सीधा ऐसे जाओ बैठो तो वो जो गेट है वो खोलो ऐसे ऊपर साइड खुलेगा, तो उसका एक अलग ही टच रहेगा, पर अगर वो मिल गई तो सही, सारी चीज़ें फिर वो हो गई सही बैठ गई तो अदरवाइज फिर बुक करने चलेंगे कौन सी वरना, और आज ही चलेंगे भाई, दांत लग चक्कर में कल का पूरा दिन खराब हो गया, अब तक मैं पता ना कल से ऐसा हो रहा है कि कल सो गया था ठीक है, उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि कुछ बीमारी हो गई है मेरे, शायद कमर मतलब यहाँ गर्दन में दर्द हो रहा है, और सो ही जा रहा हूँ लगातार सो जा रहा हूँ, मेरी शक्ल भी और ऊपर से तेल लगवा ले तो मैं बहुत बुरा लग रहा हूँ, पर थोड़ा सा इग्नोर कर रहा हूँ, मैं नहा लेता हूँ अभी, थोड़ा शैम्पू वैम्पू कर लेता हूँ भाई, एक दिन ब्लॉग भी नहीं आया आज का भी मेरा, इसके चक्कर में लेट हो गया क्योंकि लेट उठा, पता ना कैसे नींद भयंकर नींद ही नींद आ रही है। लेट क्यों उठा तू? अरे कल तूने वो करवा दिया ना सिस्टम खराब करवा दिया तूने मेरा, कल भाई मैं सोगा, तूने कहा मैं एक मिनट, तूने कहा 1:30 बजे तक आ जाऊंगा है, फिर तूने कहा 2 बजे तक आ जाऊंगा, फिर तूने कहा 3 बजे तक, फिर 4, फिर 5, फिर तू 6:30 बजे तो पहुंच गया था तेरे पास, 5:30 बजे 5:30 बजे पहुंचा है तू वहाँ स्कूल में ठीक है, उसके बाद 5:30 बजे मैं पहुंचा हूँ तो फिर मैंने रोटी कैसे खाली 4:30 बजे, तो तू घर आया था ना 4:30 बजे, उसके बाद फिर 5:30 बजे मेरे पास आया भाई, चलो कोई बात ना वो तो देखी जाएगी, व्लॉग एडिट करके डाल देता हूँ, अवंती का एक बार देख लेते क्या सीन है, अगर इसका आज बनेगा तो नहीं तो फिर आज नहा के मतलब अभी जाऊंगा बुक करने भाई, वरना बुक करने क्योंकि वो जल्दी चाहिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चाहिए, ऐसा है, किसी के अगर घर का शोरूम हो तो मेरे को बता देना, वो एक दिन में दिलवा दे तो भाई मैं ले लूंगा, मतलब मेरे को मैसेज कर लेना इंस्टाग्राम पे ठीक है, फिलहाल इस ब्लॉग को करते हैं खत्म, अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देख लेते इसको लाइक कमेंट शेयर कर देना, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में ठीक है, तब तक के लिए दांत रे भाई मेरे को वो चाहिए स्कॉर्पियो दे दे मेरे तक कुछ दिन ले तू थार ले ठीक है, डन कहाँ नीचे खड़ी है, चलो तब एलईडी रखे वो अभी लगाने वाले आ रहे हैं बड़ी वाली बाहर के लिए भी, हमारा टीवी आ गया है सारा सिस्टम बैठ गया, अब घर धीरे धीरे घर बनाते जा रहे हैं।
इसने दांत लेना जब ये घर लिया था तब बनाना था, 2 महीने लगा दिए। हर चीज में ढीला आयो, सही बता रहा हूँ, हर चीज में ढीला। किस चीज में भाई? हर चीज में भाई, कोई भी काम करो घर में, पूरे घर में एक चीज भी लाया तू तो वो अलग बात है। फिर एक अकेला तो धीरे धीरे होएगा काम, अब मुंह थोड़ी एकदम तो सब कुछ हो जाएगा। कितने दिन हो गए तनिष्क में घर में? 2 महीने। 2 महीने भी ना होएगा तो 2 महीने भी लगा ले। क्यों? 2 महीने भी लगा ले तू। 2 महीने के अंदर अंदर सारी तो ये बनी है, अलमारी वलमारी, रैक, शीशे, एलईडी, बेड, सोफा, सब होता ही था। 2 महीने में और के लिए 2 दिन काम हुए करे। दो अलमारी 2 दिन में बढ़ जाएंगी और का पागल बना दे। चलो अगले ब्लॉग में मिलते हैं, बाय बाय।